नमस्कार, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक फेसबुक लाइट में दो अकाउंट कैसे चलाते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक फेसबुक लाइट पर दो अकाउंट चलाने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में फेसबुक लाइट को ओपन करना है। तो चलिए फेसबुक लाइट को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फेसबुक लाइट पर यहाँ पर हमारा एक अकाउंट लॉगिन है। अकाउंट लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको एक जो थ्री लाइन का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से आपको इस अकाउंट को लॉग आउट कर देना है। तो चलिए लॉग आउट पे क्लिक करते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम एस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा एक अकाउंट लॉगिन है। अब यहाँ पर सेकेंड अकाउंट लॉगिन करने के लिए लॉगिन इन अनदर अकाउंट का जो ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको सेकेंड अकाउंट जो अकाउंट लॉगिन करना है, सिंपल उस अकाउंट का मोबाइल नंबर डाल लेना है। तो चलिए यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद अब आपको नीचे में पासवर्ड डालने के लिए कहेगा, तो यहाँ पर आपको पासवर्ड डाल लेना है। पासवर्ड डालने के बाद अब आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा आप सेकेंड अकाउंट लॉगिन हो गया है। तो इस तरह से आपको दो अकाउंट लॉगिन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक थ्री लाइन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जब आप ऊपर की ओर स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर आपका जो भी दो अकाउंट लॉगिन किए हैं वह दिखेगा। तो एक अकाउंट तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा लॉगिन है और दूसरा अकाउंट मेरा नीचे शो कर रहा है। अगर आपको ये दूसरा अकाउंट चलाना हो तो आपको यहाँ पर इस अकाउंट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा अब दूसरा अकाउंट लॉगिन हो गया है। तो इस तरह से आप बारी बारी से दोनों अकाउंट को लॉगिन करके यहाँ पर अपने फेसबुक लाइट पे चला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।